नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश में ARTO कार्यालय ललितपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजन के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद एवं प्रभारी ARTO सुरेंद्र अग्रवाल व प्रभारी यातायात अनुज सिंह गंगवार, सहायक प्रभारी यातायात नरेंद्र सिंह द्वारा गोष्ठी में यातायात नियमों के बारे में संबोधित किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी ARTO द्वारा यातायात प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 18 दिन बीत जाने के बाद नहीं हो सका पौधारोपण। वही हम बताते चले मामला मड़ावरा के। इस मीडियम प्राइमरी स्कूल का बगीचा मोहल्ले का है, मड़ावरा का है, तो वही बता दें कि प्रधान द्वारा 18 दिन पहले पौधारोपण के लिए पौधे दे दिए गए थे। आज की वर्तमान स्थिति में पौधे सूख रहे हैं, पौधे अपना अस्तित्व खो रहे हैं, और क्योंकि मतलब कुछ गड्ढे करवा के लगवा दे गए थे, कुछ पेड़ मतलब सुरक्षित रखे हैं विद्यालय में। उस समय जिस समय पेड़ उपलब्ध कराए, मौसम बहुत प्रतिकूल था, तो इसलिए मतलब पूरे नहीं लग पाए। सर बताया गया है कम से कम उनने 10-12 पौधा मांगे थे, तो हमने 12 पौधा दी थी, जिसमें से उनने 3-4 पौधा लगाए, बाकी की जिस सूख रहे आधे सूख गए, आधे पड़े गए लगे हैं, तो भाई हरे हरे बाकी जी को नाम से रखी रखी सूखे रहे। रिटायर्ड फौजी की जमीन पर किया अवैध कब्जा। 80 पुलिस चौकी अंतर्गत अल्लापुर निवासी रिटायर्ड फौजी अरविंद कुमार नामदेव ने 80 पुलिस चौकी प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी जमीन पर मालती पत्नी मुकेश यादव व मुन्ना सिंह यादव ने किया अवैध कब्जा। वहीं अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए फौजी कब्जा कर लिया यादवों ने। कहाँ के वो यादव? अल्लापुर के। क्या नाम उनका? मुन्ना लाल, मालती देवी और मुकेश कुमार। राजा मर्दन सिंह को 124 में बलिदान दिवस पर याद किया गया। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के अग्रदूत रहे महाराजा मर्दन सिंह की 124वीं बलिदान दिवस पर मर्दन सिंह मूर्ति स्थल पर नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी व पार्षद मनोज पुरोहित सहित नगर की विभिन्न संस्थाओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी की अध्यक्षता में महाराजा मर्दन सिंह का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें उनके बलिदान दिवस पर उनकी वीर गाथाओं को याद किया गया। वहीं श्रद्धा सुमन अर्पित किए। युवा जागृति मंच कार्यालय माता टीला रोड पर संयोजक गजेंद्र मोहन त्रिपाठी, आशीष लटोरिया, सौरभ जैन, विवेक श्रीवास्तव, आशीष लखेरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया व उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मदन सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज भट्ट ने उनके बलिदान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश शर्मा आदि शिक्षकों ने महाराजा मर्दन सिंह के बलिदान पर उनकी आजादी के लिए योगदान को याद किया। वहीं जिस तरह से आज महाराजा मर्दन सिंह का बलिदान दिवस है, इस पर हजारिया टाइम्स परिवार की तरफ से भी महाराजा मर्दन सिंह को शत शत नमन। बाइकों की भिड़ंत से एक की मौत, दो घायल। जानकारी के अनुसार ग्राम चंदापुर निवासी मुकेश राजपूत 35 वर्ष बाइक से अपने गाँव वापस जा रहा था, उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार कुलदीप शर्मा 25 वर्ष व कल्लू शर्मा 25 वर्ष की बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मुकेश राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। कुलदीप व कल्लू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठप्प पड़ी पेड़ व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी ने सौंपा ज्ञापन। टीला ट्रीटमेंट प्लांट व अस्थायी पंपिंग पर पर्याप्त विद्युत वोल्टेज व्यवस्था करवाने की रखी मांग। गत एक सप्ताह से माता टीला ट्रीटमेंट पॉइंट में पर्याप्त विद्युत वोल्टेज न आने व मशीन के खराब हो जाने के चलते नगर के आसपास के क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिससे कि नगर में पानी का हाहाकार मच गया, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी ने अपने पार्षदों के साथ उप जिलाधिकारी अनिल कुमार को ज्ञापन चाहिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अगली बार फिर मिलती है एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।